तो जब L और C पैरेलल में है, जब L और C पैरेलल में है और R के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये L R इंडक्टर विद रेजिस्टर है, कैपेसिटर विद रेजिस्टर पैरेलल में है, तो क्वेश्चन आएगा बताओ इंडक्टर में कितना करंट गया किसी भी इंस्टेंट पे जब आपने बैटरी को दबाया। अब नोट करने वाली बात ये है कि अगर क्वेश्चन कंपटीशन, देखो अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएगा फिर तो बैटरी लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। एनसीईआरटी में बैटरी पे एल और का एल आर क्वेश्चन है ही नहीं सिलेबस में। एनसीईआरटी में तो एसी सर्किट है। तो एनसीईआरटी के अंदर तो सप्लाई एसी गिवन होगी और सीरीज में होगा, तो फेजर का कॉन्सेप्ट है, साइन कॉस इंपिडेंस वैसे सॉल्व होता है। कंपटीशन में बैटरी गिवन होती है और डीसी बैटरी गिवन होती है और स्विच भी गिवन होता है। जब आपने स्विच ऑन किया तो कुछ करंट कैपेसिटर में कुछ इंडक्टर में जाएगा स्विच ऑन होते ही, फिर क्या होगा कितना करंट इंडक्टर में जाएगा ये क्वेश्चन आएगा। तो इंडक्टर में कितना जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये कर लिया आपने, इंस्टेंटेनियस करंट कर लिया आपने। कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा ये नहीं किया। कैपेसिटर में हमें चार्ज पता है ग्रो होगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्जिंग, चार्जिंग का फॉर्मूला लिख लिया, इसे डिफरेंशिएट कर लेना टाइम के साथ, डिफरेंशिएट करेंगे सॉल्व करके ये करंट आएगा, ये क्यू नॉट बाई आर सी मैक्सिमम करंट होगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, तो जब एल और आर, एल और सी पैरेलल में होंगे तो इंडक्टर में ये फॉर्मूला है करंट का और कैपेसिटर में ये फॉर्मूला है करंट का, बस ये नोट कर लें। और थ्योरी कुछ करना नहीं है, नॉट फॉर एनसीईआरटी कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव की एक ऑब्जेक्टिव बुक्स ये सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे। मेडिकल में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बता देता हूँ इस क्वेश्चन की भी, क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन मेडिकल के अंदर बहुत कम आते हैं, रेयर है। फिर भी फॉर्मूला फॉर्मूला नोट कर लें, ये डायग्राम के साथ एल और सी आर के साथ कनेक्टेड है, तो करंट इंडक्टर में ये रहेगा, ये रहा करंट, ये तो फॉर्मूला कर ही लिया। कैपेसिटर की मेन प्रॉब्लम है, कैपेसिटर में करंट नोट कर लें ये रहेगा, बस इतना नोट कर लें, बाकी कोई चक्कर नहीं।